हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जर्दा राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जर्दा राइस बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने सारी तैयारियाँ कर लिया है। चलिए मैं पहले बता देती हूँ। इसके लिए मैंने एक कटोरी बासमती राइस लिया है, एक कटोरी चीनी लिया है और कुछ खड़ा मसाला लिया है, काली मिर्च, तेज पत्ता और कुछ दालचीनी, और एक कटोरी मैंने काजू और किशमिश लिया है। नारियल को यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है। एक स्पून मैंने इलायची का पाउडर लिया है और कुछ बॉयल किया हुआ एक कटोरी मैंने मिल्क लिया है, कुछ केसर लिया है। केसर को हम इस मिल्क में डाल के रखेंगे तो हमारे जर्दा राइस का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए दोस्तों, मैं कैसे आज की जर्दा राइस बनाती हूँ देखिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है, मैंने गैस ऑन कर दिया है। मैंने जिस कटोरी में चावल लिया था उसी कटोरी में मैं एक कटोरी पानी दूंगी। और कुछ पानी दे देंगे, आधा कटोरी पानी। थोड़ा सा बॉईल हो जाए तब हम इस चावल को इसमें डालेंगे। मैंने चावल को अच्छी तरह से धो के साफ करके रखा है। देखिए दोस्तों, पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें धो के रखा था जो चावल इसमें डालेंगे। अब मैंने जो यहाँ पे काट के रखा था एक कटोरी नारियल इसमें डालेंगे। उसके बाद एक कटोरी चीनी जो मैंने निकाल के रखा था इसको भी इसमें डाल देंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो केसर डाल के दूध को रखा था इसको भी इसमें डाल देंगे। केसर की वजह से हमारे जर्दा राइस का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आंच को हम मीडियम पे रखेंगे दोस्तों। अब हम इसको कवर कर लेंगे। मीडियम आंच पे एक सीटी आने तक हमारा चावल पक जाएगा अच्छे से। उसके बाद हम काजू और किशमिश और जो मैंने खड़ा मसाला रखा था इसमें डालेंगे, थोड़ा सा फ्राई करके घी में। एक सीटी दे चुका है दोस्तों, हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद हम चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा राइस ऐसे बन चुका है। अब हम इसमें
जो मैंने निकाल के रखा था इलायची का पाउडर इसमें डालेंगे। अब हम काजू और किशमिश को घी में थोड़ा सा फ्राई करके इसमें मिला देंगे, तब हमारा जर्दा राइस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम दोस्तों इसमें काजू और किशमिश को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तेज पत्ता, दालचीनी, अब मैं इसमें 1 स्पून देसी गाय का खीर इसमें डालूंगी। इसे फ्राई करने से हमारे जर्दा राइस का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। देखिए दोस्तों, काजू और किशमिश अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इस सब को इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। घी का स्वाद बना रहने के लिए हम इसको ढक लेंगे 5 मिनट तक। देखिए दोस्तों, मेरा जर्दा राइस बन चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप लोगों को मेरी आज की जर्दा राइस बनाने का तरीका पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।